राजस्थान में उदयपुर के आसपास की ग्रामीण इलाकों में इसे चीटी कहा जाता है। और बहुत सारे सांपों के बहुत सारे लोकल नेम होते हैं, जिस तरह से वो जिस जिस एरिया में जाता है उस हिसाब से लोकल नेम होते हैं। स्वागत करते हैं आप भी ऐसे उधम सिंह का यूट्यूब चैनल को। शाम के लगभग 5 बजे ओवर स्कूल है कलटवास से। अभी हम लोग कलटवास में ऐसी बनना है और आप देखिए अभी हम यहाँ पर कलटवास गाँव में जाने का रास्ता है। आप माधवी से सीधे अंदर आएंगे तो कलटवास की रास्ता मुड़ता है, ये नदी बीच में वहीं मंदिर के ऊपर खड़ा है। ये उदयपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 5 से 6 किलोमीटर आपको पहले माधवी नेश ले आना होगा। तो लेके चलते हैं आपको वीडियो में। आप चले तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सही आइए दोस्तों, देखते हैं कौन सा साफ है चलते। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर पहुँच गए, अब देखते हैं कौन सा सांप है। आप ये किस जगह तो आप देख सकते हैं दोस्तों की एक यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं है और थोड़ा सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ग्रसल है पर स्नेक है और यहाँ पर फंसा हुआ है। इसे बिल्कुल सेफ तरीके से रेस्क्यू करना पड़ेगा, काफ़ी टिपिकल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल रसल है पर क्लियर दिख रहा है, काफ़ी लाइट नहीं होने के कारण काफ़ी मुश्किल में। और अभी आप देखते हैं इसका जो जिसके लिए अक्सर जाना जाता है सिटी के आवास ऊपर की सिटी है, वही यहाँ पर निकाल रहा है। ये ऊपर चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कच्ची दीवार बनी हुई है और उस साइड भी बाहर पता नहीं क्या है। इसको पूरा आप देख सकते हैं, इसमें हिमोटॉक्सिक वेनम पा जाता है और भारत का एक जहरीला सांप है। भारत के 4 जहरीले सांपों में से एक ये भी है। रसल स्वाइपर में हिमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और कोबरा और क्रैब में न्यूरोटॉक्सिक और स्कॉस्कल वाइपर में हिमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। इसके स्केल से आप देख सकते हैं करीब से, ये देखिए बिल्कुल किस तरह से दिखता है, ये गोल गोल धब्बे होते हैं इसके ऊपर। इसे लोग आम भाषा में चीटी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे राजस्थान में उदयपुर के आसपास की ग्रामीण इलाकों में इसे चीटी कहा जाता है। और बहुत सारे सांपों के बहुत सारे लोकल नेम होते हैं, जिस तरह से वो जिस जिस एरिया में जाता है उस हिसाब से लोकल नेम होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर इसे चीटी कहा जाता है, कहीं पर इसे गोनस कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल गुस्से में, तो ये अच्छी जगह फंसा है, यहाँ पर भागने की बिल्कुल जगह नहीं। इसकी सिटी आप सुन सकते हैं बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है, बाहर शोर शराब हो रहा है, इसलिए शायद ज़्यादा गुस्से में आ चुका कि उन्होंने शायद कोशिश की होगी इसे पकड़ने की, कह तो नहीं रहे पर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। और यहाँ पर चढ़ता बहुत रेयर चांस में, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ता पर बहुत ऐसी जगह में आप देख सकते हैं ऊपर ये चादर लगी हुई, चादर के नीचे बैठा, अक्सर इसी जगह में दूसरे सांप ज़्यादा पाए जाते हैं। कोबरा रसल स्वाइपर बहुत कम चढ़ते हैं, पर यह आप देख सकते हैं नमूना यहाँ पर चढ़ा हुआ था बिल्कुल ऊपर। तो आप इसे रेस्क्यू करते हैं दोस्तों फाइनली, काफ़ी देर होगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जिन लोगों के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9414234826 9829597722 दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है। आप फेसबुक पर जाकर हम फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर तो ये वीडियो आप देख ही रहे हैं और इंस्टाग्राम पर हम जाकर फॉलो कर सकते हैं, दोनों के आईडी पदम सिंह आठोड़ है। तो अब इसका रेस्क्यू करते हैं, देख सकते आप यहाँ लोग कितने हैं, ये देखिए। तो अब इसे फाइनली रेस्क्यू करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप गुस्से में आ चुका है, एक में डालेंगे इसे, किस तरह से एक कॉइल करता है, ये कॉइल वर्क कर यहाँ पर बैठ गया है कि आवाज़ आप सुन सकते हैं कितना इसकी जोर जो सीटी कुकर की सीटी की तरह आवाज़ करता है। ये इससे आवाज़ करता है ताकि इसके पास आप ना जाए। कॉल करते बैठ गया, जब ये इस तरह से कॉल करता है तो आपको सतर्क करता है कि आप इसके पास ना जाए, हमेशा दूरी बनाए रखें। और अब इसे हम बैक को थोड़ा आगे पुश करने की कोशिश करें,
ग्रसल वाइपर के फैंग्स जो होते हैं वो वेनमस स्नेक के सबसे बड़े होते हैं। यहाँ से भी ये बाहर आ सकता है, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक करना है। आप देखिए पूरा ये अंदर नहीं गया अभी। देखिए अभी गुस्से में हमने ये ईट का सारा लिया था यहाँ पर इसे लगाने में। बैग को उठा लिया तो अब इसे पूरी तरह से पैक कर लिया। अब सुरक्षित जंगल में विज करेंगे जहाँ से इसके अनुकूल वातावरण है, और यहाँ जिन लोगों ने कॉल किया उनसे मिलेंगे। पीछे आप देखते काफी लोग इकट्ठे हो गए। देखते देखते भाई साहब ने कॉल किया था हमें, तो भाई साहब आपका नाम हुकुम? अभय सिंह देवड़ा। अच्छा, ये एड्रेस बताएंगे हमें प्रॉपर? गांव कलरवास और राजपूतों का मोहल्ला। अच्छा, क्या स्थिति बाबूजी आपके हाथ के अंदर था? बाबूजी के जो भाड़ा है गाय का उसके अंदर था। मेरी लाल धर्मा का। तो क्या बाबूजी की स्थिति, आप काम कर रहे हैं? आपने पहली दिखी हो? तो गाय में बंदी थी तो खतरा तो इसलिए रेस्क्यू करना जरूरी था। तो अभी जंगल में सुरक्षित रिलीज कर रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपने हमने उसे, आप देख सकते हैं हमने उसे रिलीज कर दिया है यहाँ पर। एक रसल वाइपर स्नेक जिसे हमने कलरवास से रेस्क्यू किया था, उसके बिल्कुल परफेक्ट अनुकूल वातावरण में उसे रिलीज किया। धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट अनुकूल वातावरण है। ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी से हम ये छोड़ के चलते हैं, मिलेंगे किसी जंगली को। आज की तस्वीर सुन जय हिंद, जय भारत।